जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि अब जो आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है वो टोटल रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है। तो आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है इस पर मूल रूप से बात करने वाले हैं, और उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वैसे खतरनाक सवाल को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और वैसे सवाल को एक सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे, एक से दो सेकंड में, एक सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार दीजिएगा। उसके साथ साथ यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मास्टर माइंड मैथ्स एप्लीकेशन को लोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं, क्लास 10 के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जुड़ सकते हैं आप। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं मजेदार तरीके से। ये डिफरेंशिएशन का 8वां वीडियो है, इससे पहले हमने इसका 7 वीडियो डाला है और उन 7 वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है इस पर विशेष रूप से बात किया गया है। उसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और उन्हें शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग बात किए हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफरेंशिएशन में तो वैसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे, आज इस पर विचार करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, यदि आपको समझ में आएगा, बेहतर लगेगा, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको बेहतर नहीं लगेगा तो फिर आप इसे डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथियों शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं कि ये मंजिल, ये रास्ता आपको खुद तय करनी है। आपके साथ इस मंजिल को पाने में आपके कोई रिलेटिव्स आपके साथ नहीं होंगे, जहां तक आपका मनोबल और हौसला को बढ़ाने में वो ना बढ़ाकर आपके मनोबल को हमेशा हमेशा जो है तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे ये कहना है कि जितने भी आपके रिलेटिव्स या रिश्तेदार या दोस्त या नातेदार हैं, आप वैसे दोस्त अपने पास रखें जो आपके मनोबल को, आपके हौसला को बढ़ाने में आपका साथ दे, अन्यथा वैसे दोस्त को आप कभी अपने साथ ना रखें जो आपके लिए केवल आपके साथ निगेटिव बातें करती हो, जिनके अंदर निगेटिव थिंकिंग हो। यदि आप निगेटिव थिंकिंग वाले दोस्त को अपने साथ रखते हैं तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। आपको आप जिस चीज़ को अपने दिलों और जान से चाहते हैं, अब आप इस दिन से, आज से उन सारे चीज को अपने दिलों जान से चाहना बंद कर दीजिए, और ये जो आपकी किताब है, ये जो आपकी महबूबा है, ये आपके लिए बाहें पसारी हुई है और ये आपका आवाहन करती है कि आइए हम आपके महबूबा हैं, आप हमसे मोहब्बत कीजिए, और जब आप हमसे मोहब्बत कीजिएगा तो हम मोहब्बत का वो सिला आपको देने वाले हैं जो जिंदगी में आपको कोई नहीं दे सकता। आप डुप्लीकेट मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप डुप्लीकेट यानी दिखावे के मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, वह आपसे प्यार नहीं करती, वह आप पर दिलो जान नहीं छिड़कती, वह आपके चीज़ों का केवल यूज करती है, वह आपका यूज कर रही है। जिस दिन आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, एक छोटे से चीज़ की ज़रूरत होगी, वो तो कहती है कि हम आपके लिए दिलो जान, मतलब अपनी जान तक त्याग देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपको थोड़े से महंगे चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए उस दिन वो आपसे मुकर जाएगी, लेकिन आपसे ये बात हम वादा करके कहते हैं कि आपको हर महंगी चीज़, हर शोहरत, हर खुशी, हर पल, हर वो ज़िंदगी की लम्हा आपको ये दिला सकती है जो आप इस बुक से, आप अपनी किताब से, आप अपने कॉपी से, इस कलम से यदि एक बार मोहब्बत कर लेते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी कोई नहीं हरा सकता, कभी कोई आपको नहीं गिरा सकता, कभी कोई आपको नहीं झुका सकता। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी कलम किताब से और अपनी पढ़ाई लिखाई को महबूबा समझिए और उसी से मोहब्बत कीजिए, आपको ज़िंदगी में कभी झुकना नहीं पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं, आज का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होने वाला है आपके लिए।
वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपसे दो बार ये बातें कह चुके हैं और इसके लिए एक खास मकसद ये है कि हम आपको आज दो से तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक कॉन्सेप्ट देख लिए तो आपको लगा कि अब इसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं, आज हम आपको दो से तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं और उस पर बनाने का अलग अलग तरीके का क्वेश्चन भी होने वाला है। आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है और इस तरीके का सवाल ये आपको एक डेमो हम दे रहे हैं। ये सवाल का एक छोटा सा टाइप है, इस पर बहुत तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आज उन सारे सवालों पर हम बात करने वाले हैं, बस आप एक छोटा सा डेमो समझ लीजिए, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, फिर इस पर खतरनाक से खतरनाक सवाल अभी आने वाला है और जिसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। कहता है कि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए हम आपको बताने वाले हैं, समझिएगा गौर से, कि जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हो, जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हो, बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। बीच में कौन सा चिन्ह होना चाहिए बाबू, बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए और ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये दोनों के दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, ये दोनों के दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। एक बार और बात करते हैं, साइन इनवर्स के रूप में होगा और कॉस इनवर्स के रूप में होगा, बीच में प्लस होना चाहिए, बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए। और ऐसी बात है कि ये जो दोनों का दोनों आपको वैल्यू दिख रहा है, ये दोनों के दोनों वैल्यू समान होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा dy बटा dx का मान जीरो के बराबर होगा। हमेशा dy बटा dx का मान जीरो के बराबर होगा, हमेशा dy बटा dx का मान जीरो के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इस पर कितना भी खतरनाक सवाल आपको मिल जाए, आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। जैसे y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और फिर आपका है प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। बताइए dy बटा dx का मान क्या होगा, dy बटा dx का मान क्या होगा। एक बार आप एक नजर सवाल को देखिए और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि अभी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताया गया है। या आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए रहेंगे तो जैसे ही इस तरीके का सवाल आपके सामने पड़ेगा, आपके दिमाग में एकदम तुरंत क्लिक करेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस पर आधारित कॉन्सेप्ट है, कैसे इस तरीके के सवाल को हमें बनाना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा साइन इनवर्स के रूप में होगा, कॉस इनवर्स के रूप में होगा, बीच में प्लस होना चाहिए, ये दोनों के दोनों वैल्यू समान होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के बराबर होता है। हमेशा किसके बराबर होता है, तो जीरो के बराबर होता है, हमेशा जीरो के बराबर होता है। समझ में आ गया सभी लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए और भी कुछ सवाल देखते हैं। जैसे वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बस आपको सवाल की पहचान हो जानी चाहिए, आप सवाल के टाइप को यदि पहचान गए तो फिर सवाल बनाना आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट आपको केवल समझने की जरूरत है कि y बराबर है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा तो आप फार्मूला ढूंढने में ही पूरा वक्त बिता दीजिएगा,
ठीक है, और यहाँ फार्मूला से काम नहीं चलता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को माइंड से सेट किया जाता है, आपको बौखलाया जाता है, आपको बहलाया जाएगा, आपको भटकाया जाएगा, ठीक है। बस भटकने की जरूरत नहीं है, हर टाइप का सवाल आपके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा, बस आपको वहाँ जाना है। जैसे ही टाइप देखिएगा तुरंत आपके दिमाग क्लिक करेगा कि ये सवाल इस टाइप से है, इसको इस तरीके से बना लीजिए। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी dy बटा dx का वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो बिल्कुल जीरो के बराबर dy बटा dx का वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी नोट करते चलिए। अब आप अपने से सवाल को सेट भी कर सकते हैं, अपने से सवाल आप बना भी सकते हैं और सवाल बनाकर उसका आंसर भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, यदि आपने सवाल का क्रिएशन करना सीख लिया, यदि आपके दिमाग में सवाल बन रहा है, तो समझिए कि उसका आंसर भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी तरीके का कुछ और सवाल हम आपसे करेंगे। जैसे y बराबर, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद प्लस कॉस इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए इसका मान कितना के बराबर होगा। सॉरी, तो डीवाई बटा डीएक्स का मान क्या होगा, डीवाई बटा डीएक्स का मान क्या होगा जल्दी से बता दीजिए डीवाई बटा डीएक्स का मान क्या होगा, आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। देखिए, साइन इनवर्स के रूप में है, कॉस इनवर्स के रूप में है, और यहां पर ये दोनों वैल्यू जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताए हैं कि हमेशा डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो ऐसा साइन और कॉस में ही नहीं होता है, और भी कंडीशन है जिसमें कि ऐसा होता है। हाँ, और यदि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको चाहिए, तो आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम एक अलग से इस पर वीडियो बना देंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि ऐसा होता है। ठीक है, बस आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है कि सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, चंद सेकंड में सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बस सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं अभी हम। अभी उस पर नहीं बात कर रहे हैं कि इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, क्यों ऐसा हो गया, क्यों का जवाब के लिए आपको एक अलग से हम वीडियो देने वाले हैं, यदि आप ऐसा चाहेंगे तब। देखिए, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ये साइन और कॉस तो हो गया, अब दूसरा क्या होने वाला है, जैसे सेम आता है आपका टैन और कॉट के साथ, जैसे y बराबर टैन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, टैन इनवर्स 5x बटा में 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, फिर प्लस कॉट इनवर्स 5x बटा में 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। तो अब आपको सेम चीज हम यहां बताने वाले हैं कि जैसे साइन और कॉस इनवर्स में रहेगा, बीच में प्लस होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों मान यदि बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन का मान होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो फिर उसी तरीके से हम कहेंगे कि जब टैन और कॉट इनवर्स में होगा बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए और ये दोनों के दोनों वैल्यू समान होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में इसका भी डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, तो जीरो के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा बाबू, जीरो के बराबर। एकदम देखते चलिए किसका किसका जोड़ा लगा रहे हैं, आपको बहुत आसान हो जाएगा याद करना। देखिएगा, जैसे आप क्या बोलते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, यही बोलते हैं ना। तो साइन कॉस का जोड़ा है, दिख रहा होगा आपको, फिर टैन कॉट का जोड़ा है, और एक जोड़ा और आपके सामने आने वाला है। ठीक है, एक जोड़ा और आपके सामने वाला है, आप समझ भी गए होंगे कि वो कौन सा जोड़ा आने वाला है। इसके बाद एक जोड़ा और आने वाला है, जिसमें यदि आपका वो इनवर्स के रूप में ऐसा होता है, ये मान सेम टू सेम रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर होगा बाबू, जीरो के बराबर। तो वो जोड़ा भी हम क्लियर कर लेते हैं यहां से, वो जोड़ा है आपका सेक इनवर्स
टू एक्स बटा में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू और इसके बाद प्लस कॉसेक इनवर्स टू एक्स बटा में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। तो अब यहां पर यह भी आप देख लीजिए कि सेक इनवर्स में रहेगा, कॉसेक इनवर्स में रहेगा, बीच में प्लस का चिन्ह होगा। यदि दोनों के दोनों सेम टू सेम है तो इस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा बाबू? जीरो के बराबर होगा। तो आपको तीन कंसेप्ट यहां पर समझ में आ गया। एक बार हम इन तीनों को एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार एक जगह कर लेते हैं ताकि आपके दिल और दिमाग पर एकदम जगह बना लीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि साइन इनवर्स में रहेगा, कॉस इनवर्स में रहेगा, यदि बीच में प्लस का चिन्ह है और उसके दोनों के दोनों मान सेम टू सेम है तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? जीरो के बराबर। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि टैन इनवर्स के रूप में होगा, कॉट भी इनवर्स के रूप में होगा, यदि बीच में प्लस का चिन्ह होगा और दोनों का वैल्यू जो है यदि सेम टू सेम होगा तो ऐसे कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि सेक इनवर्स के रूप में होगा, कॉसेक भी इनवर्स के रूप में होगा, बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए, यदि दोनों का दोनों मान सेम टू सेम है तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा। ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये तीन कॉन्सेप्ट सात जन्म तक अब आप नहीं भूलिएगा। कभी भी आपके सामने सवाल पड़ेगा तो आप उसको सीधा सीधा चंद सेकेंड में जवाब दे दीजिएगा। किसी के जुबान पर अब ये सवाल का जवाब नहीं रहा तो समझिए कि आपको अब पढ़ने का कोई हक नहीं है, आपको अब पढ़ने का कोई हक नहीं है, अब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। यदि इस तरीके के सवाल का जवाब आपके जुबान से मतलब सेकंड भी ना लगे और निकल जाए तो समझिए कि आपने बेहतर कर लिया है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप किसी के सामने ऐसा जवाब दें, नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम हॉल में एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत है, कॉपी पर उस चीज को दिखाने की जरूरत है, किसी के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी के सामने बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बेहतर लोग दिख जाते हैं। ठीक है, हाँ, कहा ना गया है बड़े बराई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। समझ में आ रहा है? तो मतलब बड़े बराई तो अलग चीज होती है, या फिर लोगों को अपने मुंह से ना कहता है कि अपने मुंह मियां मिट्टू, नहीं, वैसे नहीं करने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें एग्जाम हॉल में दिखाने की जरूरत है, अपने आप को बर्दाश्त करके रखने की जरूरत है, थाम कर रखने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में रखने की जरूरत है और बार बार उसको एकदम घुमाते रहने की जरूरत है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, और जो सवालें आपके सामने आ रही है उस टाइप को समझने की जरूरत है। और जब आप सारे के सारे टाइप को समझ लेंगे तो आपके पास एक भंडार हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट का। कहां से सवाल आपको पूछेगा, क्या सवाल आपको पूछेगा, हर सवाल का जवाब आपके पास होगा और आप उस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपने अच्छा से समझ लिया होगा। अब आइए इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, जो आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा तो आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है। ठीक है, इस तरीके के सवाल तो आपसे पूछे ही जाते हैं, इसमें कुछ और आपको बढ़ाकर सवाल पूछेगा। देखिए सवाल कैसे पूछ सकता है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वाई बराबर यहां लिखा कॉसेक इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, टू एक्स बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में टू एक्स। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में टू एक्स। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखिए एक बार हम यहां पर बना देते हैं एक डायग्राम, समझ लीजिएगा ठीक से, एक डायग्राम बना देते हैं कि, या फिर आप समझ ही लीजिए ना अच्छा से, यही से समझ लीजिए कि यहां है कॉसेक, साइन का उल्टा पहले लिख ही लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। साइन का उल्टा क्या होता है तो आपको मालूम है कॉसेक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। कॉस का उल्टा क्या है तो
तो sec, cos का उल्टा क्या है sec, इसके बाद tan का उल्टा क्या है बाबू cot, tan का उल्टा क्या है cot, किसी को दिक्कत, tan का उल्टा होता है cot, उल्टा मतलब क्या व्युत्क्रम, उल्टा मतलब क्या व्युत्क्रम, देखिए तो यहां पर अब आपके सामने एक अलग सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, जैसे यहां है आपका कॉसेक और यहां है आपका कॉस, यहां है कॉसेक और यहां है कॉस, तो हम आपको एक चीज बताते हैं कि यदि ये जो आपका मान दिख रहा है ना, यदि आप इस मान को उलट दीजिएगा ना, यदि आप इसको पलट दीजिएगा, यदि आप इसको पलट दीजिएगा तो जो कॉसेक है वो साइन बन जाएगा, जो कॉसेक है वो क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा, और यदि साइन रहेगा तो कॉसेक बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यदि कॉसेक के ई वाला मान को पलट दीजिएगा, कॉसेक के ई वाला मान को पलट दीजिएगा, कॉसेक के ई वाला मान को पलट दीजिएगा तो बन जाएगा क्या साइन, और यदि साइन रहेगा आप पलट दीजिएगा तो बन जाएगा कॉसेक। ठीक है, अब यहां आइए, सेम चीज है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, यदि आप कॉस की बात कर लें, कॉस की, तो कॉस के ई वाला जो मान होगा, ई वाला मान, यदि इसको आप पलट दीजिएगा, पलटने का क्या मतलब, नीचे वाला को ऊपर लिखिएगा, ऊपर वाला को नीचे लिख दीजिएगा, तो फिर जो कॉस है वो बन जाएगा सेक, क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा सेक, और यदि सेक में रहेगा आप पलट दीजिएगा तो बन जाएगा कॉस, जो यहां पर अभी दिख रहा होगा आपको, कॉस बन जाएगा सेक और सेक बन जाएगा कॉस, कब, जब उन्ने वाला मान को पलट देंगे तब। फिर यहां देखिए, यहां टैन है और यहां कॉट है, तो फिर वही बात हम करेंगे कि यदि आप टैन को पलट दीजिएगा तो कॉट बन जाएगा, और कॉट के मान को पलट दीजिएगा तो टैन बन जाएगा। ठीक है, यानी टैन से कॉट बन जाएगा और कॉट से टैन बन जाएगा। तो अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, क्या कॉन्सेप्ट आया समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि यदि यहां पर कॉसेक है और यहां कॉस है, यदि यहां पर कॉसेक है और यहां कॉस है, तो ये कॉस क्या है, तो कॉस है सेक, यदि आप इसको उलटते हैं तो सेक बन जाएगा, देख लीजिए ना एक बार, यहां है आपका कॉसेक इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यदि आप इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा सेक, यानी sec इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि cosec इनवर्स और sec इनवर्स है, बीच में प्लस है और ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी आपको क्या बताए हैं, जीरो के बराबर, कितना के बराबर बताए हैं, इसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर, यानी इसके dy बटे dx का मान कितना हो जाएगा जीरो के बराबर। इसमें किसी को डाउट है क्या, इसमें किसी को डाउट है नहीं ना, समझिए ठीक से, इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि साइन के जगह यदि कॉसेक आ जाए या फिर कॉसेक के जगह यदि साइन आ जाए, तो आपको देखना है ये वाला कि इसको उलटने से यदि दोनों आपस में बराबर हो जाता है, उलटने से यदि बराबर हो जाता है, और जो आपको पेयर बताए हैं साइन और कॉस का पेयर, फिर टैन और कॉट का पेयर, फिर आपको सेक और कॉसेक का पेयर, यही बताए हैं ना, यदि इस रूप में आ जाता है तो फिर आपको उसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर लिखना होगा, जीरो के बराबर। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं कि इसको यदि आप उलट दीजिएगा तो साइन बन जाएगा कॉसेक और कॉसेक बन जाएगा साइन, यदि कॉस को उलट दीजिएगा तो कॉस बन जाएगा सेक और सेक बन जाएगा कॉस, यदि आप टैन को उलट दीजिएगा तो टैन बन जाएगा कॉट और कॉट बन जाएगा टैन। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सवाल पूछेगा कैसे, तो देखिए सवाल आपको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सवाल आपको ऊपर लिखा हुआ है, तो इस पर आप कैसे विचार करेंगे देखिएगा, देखिए यदि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा हो, यदि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा हो, उल्टा मतलब समझते हैं, उल्टा मतलब समझते हैं, ये बटा में उल्टा हो, यानी जो इसके ऊपर में हो वो इसके नीचे में हो, और जो इसके नीचे में हो वो इसके ऊपर में हो, समझ में आ रहा है, जो इधर वाला के ऊपर में रहेगा वो इधर नीचे में दिखेगा, और जो इधर नीचे में रहेगा उधर ऊपर में दिखेगा, इसी को बोलेंगे उल्टा हो। ठीक है, तो जब ऐसा उल्टा रहेगा,
उल्टा रहेगा, तो एकदम ध्यान से आप समझ लीजिए कि ऐसे में ये चीजें आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपका कौशिक है और उधर क्या है, कौश है, इधर कौशिक है और उधर कौश है, तो आप इसको यदि उल्टेंगे तो ये साइन बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको उल्टेंगे तो साइन बन जाएगा, तो फिर हो गया साइन और कॉस जीरो, याद कर लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए कि वाई बराबर यदि आपको दे दे कि टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में वन माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस कॉट इन सॉरी टेन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप चेक करके देख लीजिए कि यहां टेन ठीक है, यदि आप देखते हैं तो जो इसके ऊपर में है वो इधर नीचा में है और जो नीचा में है ऊपर में है, यानी इसका मतलब इसको यदि पलट के यदि आप चेक करते हैं, पलटेंगे इसको तो टेन कथी में बन जाएगा, कॉट में बन जाएगा, यानी हो जाएगा कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि क्या हो गया, टेन इनवर्स ये वाला और फिर कॉट इनवर्स ये वाला, यानी टेन इनवर्स के रूप में हो, कॉट इनवर्स के रूप में हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो और ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होता है, जीरो के बराबर। सवाल आपको यहां से पूछता है, उलझाकर पूछता है सवाल, ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट पर सवाल नहीं पूछता है, थोड़ा सा सवाल को मोड़ता है और सवाल को मोड़कर आपसे पूछता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर टाइप के सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, आपको केवल समझने की जरूरत है बारीकी से एकदम, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि जैसे वाई बराबर आपको यहां लिख दे सेक इनवर्स 5x बट्टा में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और फिर प्लस यहां हो जाए आपका साइन इनवर्स 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और बट्टा में क्या, तो 5x। देख लीजिए अब आपके पास एक चीज दिख रहा होगा, जो इसके ऊपर में है वही नीचे में है और जो इनने नीचे में है उनने ऊपर में है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पर साइन है ना, अब आप इसको ठामे उलट दीजिए, तो जैसे ही उलटिएगा तो साइन क्या बन जाएगा, कौशिक, तो ये आपका हो जाएगा कौशिक, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5x बटा में कितना 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब आप देख लीजिए कि ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गया, यहां साइन है सॉरी यहां सेक है और यहां कौशिक है, तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। बताइए किसी को दिक्कत, इस तरीके के सवाल में किसी को दिक्कत है क्या, देख लीजिए। अब जब भी आपके सामने इस तरीके का सवाल पड़ेगा आप उसको आसानी से बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और भी लोग इसका लाभ ले सके। और यदि आपको इसी तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमेशा बताते रहिएगा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ते रहे आप लोगों के लिए काम करने का, और भी एनर्जी से हम आपके लिए काम करते रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।